रामवी 96.4। जी नमस्कार प्रणाम, सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज पर यह कार्यक्रम स्थानीय सरोकार, स्थानीय सरोकार के साथ में आज भी उपस्थित हो चुकल बानी सर। कार्यक्रम के साथ में हम बानी कार्यक्रम प्रस्तोता राम मंडल, प्रवधि में अनरजीत जी बानी, और स्थानीय सरोकार में हमनी बातचीत करी सन एगो विषय वस्तु पर। एक जने अतिथि भी लेके आए बनी सन, आज दू जने अतिथि लेके आयल बानी सन, दू जने वडा अध्यक्ष के हमनी कार्यक्रम में लेके आयल बानी सन। काहे कि बैसाख 30 गते सरकार चुनाव के घोषणा कर चुकल बा स्थानीय तह के, और 5 वर्ष में स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि लोग का कैलक एक विषय में हमने जानकारी लेम सन वहाँ के वड़ा अध्यक्ष, मेयर लगायत अन्य व्यक्ति लोग से। और आज के खातिर हमने अतिथि बानी पर्सा के जीरा भवानी गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 के वड़ा अध्यक्ष बानी शेख नुमान आजम। वही तरह हमने कार्यक्रम में बात करम सन 12 के परसौनी गाँव पालिका 4 के वड़ा अध्यक्ष आनंद गुप्ता से। सबसे पहले शेख नुमान आजम जी हमने के साथ जुड़ चुकल बानी, वहाँ से बात कर जाओ। वड़ा अध्यक्ष जी कार्यक्रम में स्वागत बा अपने के। धन्यवाद धन्यवाद जी। 5 वर्ष बीत चुकल, काथी काथी विकास को बतावल जाओ। अभी तो सर 5 वर्ष कहाँ बीतल बा, अभी 5 वर्ष में तो बाकी है बस, 2-3 महीना बाकी बा अपने लोग लाए जी। हमने लोग खतरा ला, जनता खतरा जी। अच्छा, जब 2-3 महीना में कौन बड़का कही ना कि तीर मार ली, इतना दिन तो भैबे कैल है कि ना। अब इतना अच्छा। दिन में गांव के विकास करेला कथी कथी के विकास पर अपने ध्यान देनी ये, मगर अपना अभी तक अवधि में आज तक जी जी हमने के सर सबसे पहले हमने के शिक्षा पर ध्यान देने रही। हम शिक्षा में हमारा जौन करे के रहे जौन, मगर वहाँ तक हम विकास के लिए बनी। शिक्षा में काहे पहले ध्यान देनी, सबसे पहले सारा वड़ा अध्यक्ष लोग तो रोड और नाला में ध्यान देले वाले, अपने शिक्षा पर क्यों चल गई नहीं सर? ऐसे शिक्षा में देने से जो शिक्षा न रही तो ना केहू मुखिया बनी, ना सिपाही बनी, ना ये देश के रक्षा मंत्री केहू बनी, ना प्रधानमंत्री बनी, तो पहले तो पढ़ाई नहीं चाहिए तब न सर, चाहे रेडियो के माध्यम में चाहे पत्रकार के बनी केहू कुछ, मगर पढ़ल लिखल से हुई सर। हाँ हाँ, बिना पढ़ल कुछ भी ना हुई। एगो तो हमनी कम पढ़ले बानी सर, तो अपने लोग नेता बन गए लगन है कि ना? नेता लाई तो जनता के नौकर हुई सर। नेता लाई एको क्लास पढ़ाई ना जरूरी पड़ला सरकार। अच्छा चली जौन भी बा जी। और कौन कौन चीज में विकास अपने कहनी, जैसे कहता नहीं कि हम शिक्षा पर ध्यान देनी, सबसे बढ़िया विषय हमारा लागल सबके रास्ता पर, नाला पर, पुल पर ध्यान देवे ला, लेकिन शिक्षा पर ध्यान देनी, का कमी रहे शिक्षा में अपने के वार्ड में पहले से? सर हमने के 74 में जब चुनाव जीतनी सन ओकरा पहले सर हमने के स्कूल में, हमने के हमरा वार्ड में लमसम एगो मदरसो बा, 6 स्कूलो बा, 2 कॉलेजियो बा, बोर्डिंग भाई सब 9 के एरिया में बा जी। लेकिन सबसे पहले हमने के सरकारी स्कूल में सर ओबरा गई देखली सर, देखी सर तो ब्रिंच तक ना रहे सर कौन सब स्कूल में जन जी जी जी। कुछ कुछ ब्रिंच रहे, मास्टर लोग कुर्सी उर्सी बैठे वाला रहे, कुछ टेबुल वेबुल रहे, लड़का लोग नीचे बैठे, लड़का लोग नीचे रहे, नीचे बैठ के बोरा अपना घर से लेके आवे वही पर पढ़े आ जाए। ये तो हमने के परसा जिले में रहू देख ले बुझ ले जी। हाँ जी, ये गांव में बाटे अभी भी, अभी गांव में रहे लेकिन अब एकरा गोरवा देले बानी जी। अपने सारा माने अपने वार्ड के जितना स्कूल रहे में बेंच के व्यवस्था कहनी वार्ड के बजट से, वार्ड के कहीं गांव पालिका के कहीं कहल जाओ ना, अपने समन्वय क के माने विकास करवैनी उतना कोई नहीं। हाँ हमारा वार्ड में मगर ये सब विकास हमने के वहाँ कहीं सौ, ओकरा बाद में कहीं कहीं भवन ना रहे, भवन के व्यवस्था कहीं सौ, कहीं मान तनी 5 क्लास से बेसी स्कूल हमने यहाँ कहीं ना रहे, ओकर हमने के ग्रेड टॉप कहीं 8 क्लास तक बनौले बहन से 9 हो जाई, ओकरा बाद में भवन भी कहीं बनौनी सौ, अभी ओकरा बाद में कुछ जगह कमी बात, ओकरा में जगह भी हमने के खरीदारी करे के ओकर प्रक्रिया हमने बनौले बहन सौ। तो ये हमने के कहा सर, हमने के थोड़ा शिक्षा पर हमने के फर्स्ट हमारे पर थोड़ा सा गई, ओकरा बाद में सर
नलो बनौले बानी, रोडो बनौले बानी, मंदिरो बनौले बानी, मदरसो बनौले बानी। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया बात कहनी कि मंदिर आ मस्जिद मदरसा दोनों बनौले बानी। रोड के खास करके रौरा लोग के साल में कितना बजट गाँव पालिका देवेला? अब सर बजट कहे के बात कहली तो हमने 74 में जो चुनाव जीती सर, तो जिला बानी गाँव पालिका में सबसे पहले दू साल हमारा साथ बहुत भेदभाव है गाँव पालिका लोग कहल और बोर्ड लोग, हम अकेले जीतल बानी अपने पार्टी से और वो लोग मगर बोर्ड रहे। एहे, यानी कि अपने अल्पमत में बानी, अपने कौन पार्टी से गाँव पालिका अध्यक्ष कौन पार्टी है? हम सर कांग्रेस से जीतल बानी। गाँव पालिका के अध्यक्ष एमाले? गाँव पालिका के अध्यक्ष एमाले, पूरा बोर्ड एमाले। और एगो हम सिंगल जीतल बानी, हमारे सिंगल नाम मगर हमने के वार्ड मगर पाँच अपने। हाँ जी, अपने के तरह दुख देवे लोग काथी काथी के विषय बताओ लो। अब 74 में सर का बजे 74 में लो हमारा साथ भेदभाव कैल कथी के सबसे पहले हमारा के बजट ना दल कह तो ढेर कथा बाय में जाननी, लेकिन समय कम बा। अब हमारा के ना योजना दलस लो ना अथी कैल लो कुछ ना कैल लो, तो अब रह गई हमनी के थोड़ा सा का बजे गाँव सभा जब भैल तो में हम मांग कैनी जे योजना जौन किताब बाटे जे कहाँ कहाँ कथी बाटे, कहाँ कहाँ कथी पड़ल बा, शिक्षा में कथी पड़ल बा, किसी में कथी पड़ल बा, जो हमारा के ना दलस लो हुतुआ ताल में अपना बहुमत के हिसाब से चाहल जो हम काम कर ली। एक रुपये बजट अपने ना मिलल? ना ना, तो हम विरोध करके निकल गए ओमे से बाद में बजट उहे चल गल गाँव पालिका लोग से विकास भैल वार्ड में, यानी कि बजट ना आई। बजट आयल हमारा वार्ड में, लेकिन गाँव पालिका मार्फत से चलाओ लो, वार्ड गाँव में कोई मतलब ना रहे। बड़ा के बजट गाँव पालिका चलावे? हाँ वो अपने चलो लो, अपने चलाओ लिख लो। अपने के का असहमति रहे कि अपने के उंगा भाई कथी असहमति जन ले रहनी? हमारी रहे सबसे पहले जे पहले हमने के बोर्ड से हमने के पहले का हो जे मीटिंग पहले बैठ बुलाओ के चाहिए प्रशासनिक अधिकृत के, हमने के मीटिंग बुला के जितना भी पांच गो वार्ड अध्यक्ष रहे, कार्यपालिका सदस्य रहे, मेयर रहे, उप मेयर रहे, बैठ के पहले एगो नीति बने के चाहिए प्रत्येक वार्ड में हमने कथी 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 करे के बाद हमने योजना मांगे के चाहिए पहले। जी जी, योजना मांगे नियम से जाए के चाहिए, बढ़िया बात कहनी। योजना मांग करी स्थानीय से वड़ा अध्यक्ष से जनप्रति से, ओकरा बाद बजट बनाई, तब जाके बजट ले आई, तब बाढ़ फाड़ करी सब कह के अपने। हाँ हाँ, हमारे ये रहे जी योजना ना मांगल रहो तो योजना ही लोग काहे ना मांगल, एक बार ये गाँव सभा का यो रख दलस, यानी कि बहुमत के भर पर जी अपने घरे में बैठ के जीरा भानी गाँव पालिका में घरे में बैठ के बजट बना ले हुई लोग, योजना उजना बने ले हुई लोग, ये तो बात एकदम देखल जा सकता है। देखते वाली अब रोगों से कथी बुलाई लो, रोगों से परसा के वाली रोगों से कथी बुलाई। जी जी, ये तो ये को विकृति बढ़ा ले, बाकी अपने घर में बैठ के जो योजना मांग कर जला वो योजना है ही परा दी, आराम से गाँव सभा कर ली, बहुमत बढ़ा ले बा, चिल्लाए वाला चिल्लात रही है कि ना। 77-77 में सर यही आम के वो का भइल, 77-77 में गाँव पालिका में ना मीटिंग रख के 3 नंबर वार्ड कार्यालय में मीटिंग रखल लो, बोर्ड भी टांगा गई, कुर्सी भी धरा गई जानी, मरो मारी भइरे जानू ऊपर ना, उ मारा मारी भइरे उ चाउर राहत बाटे के। ए हां, राहत बाटे के बिरिया मारा मारी भइरे, ओमे एगो पत्रकार के भी मुड़ी फोड़ देले रहे लोग, हमनी के संगति लोग के किस बोन जी के हमनी के लगवर ले वाला पत्थर लगा पत्थर मार देले लगला, उ कहत रहनी हमनी के संगति है बेचारा, पत्रकार के भी अपने लोग मुड़ी उड़ी फोड़ देले रहनी। चलिए, गाँव पालिका में इतना बढ़िया बढ़िया चीज हो रहा बा, मारा मारी से लेके बजट ना देवे के एकदम कही ना, गाँव पालिका जय हो। बजट खाए तो जी खाए तो किंग खा ला लोग, अब के खा ला लो, अब वही तरह खा ला लो, अब जैसे अब मिला लीजिए, अब थोड़ा सा एगो मिसाल देता नहीं हल्का रहुआ से। हाँ, कहल जाओ ना। जी जी, कहल जाओ। जैसे हमने के उजियाला गाँव पालिका बनाओ के हमने के कार्यक्रम बनौनी, तो जी जी वेपर लाइट बारे के, वेपर लाइट बारे के, तो प्रत्येक गांव में प्रत्येक टोल में हमने के बत्ती झुंडावे के उजियाला, तो में 20 लाख रुपया बजट से जाए, तो 20 लाख रुपया बजट से जाए, बाद में हर साल 15 लाखों में छटाते जाए, हर साल हर साल। तो ओ में एगो बावालवा के जननी सर, जी जी, एगो बावालवा के 1 साल के ओकर वारंटी रहे, गारंटी ओकर रहे, 1 साल में फूट जाये टूट जाये फ्यूज हो जाये तो फिर दुकान में लेके जाई जाये। उ तो जग जाहिर बात हो गई, उ तो केनहु किनेम तो बावालवा के 1 साल गारंटी मिलबे करेला। हाँ हाँ, तो सुनी उहे बते कह देले, तो उ जब गारंटी में खाली रहे तो फिर 20 लाख 15 लाख रुपये लागे कंची में, एहे यानी कि झुंडियाये दिया है वो जी कॉफी बाराइए जाए तो कॉफी में जाए फिर 15 लाख उहे शीर्षक में लगा देवे लोग। तो गाँव पालिका में, गाँव पालिका में
तार लगते नहीं के तार उतना जल्दी फ्यूजे नहीं के हो तो बॉल झड़ता तो फिर गाँव पलके गाड़ी में तेल इंजन इंजन खर्चे गाँव पलके देता लदाई पचास को बॉल बीरगंज से फिर लाद के चल आई जी मुंह सुस्ता तो नानू काट देवे पांच गो वार्ड में गाँव पालिका में वेपर लाइट उजियाल हो जवन इथी भइल बरे लगी ना बती अभी अब कहीं बरता जहाँ मानते नहीं वो लोग को बहुमत बा जहाँ वो लोग इसी बा जहाँ जहाँ मेयर साहब के बुझाला जहाँ जहाँ वो लोग के मिस्त्री बा हाथ में वो लोग जहाँ जहाँ बुझेला तहाँ तहाँ बढ़ला जहाँ जहाँ बुझेला तहाँ तहाँ ना बढ़ला लो यानी कि वो में भी कही ना अपने के टोला में तो ना बर्थ हुई था अपने के वार्ड में ना बाटे सर जैसे मानते नहीं फर्स्ट लॉट में गाँव में मानते नहीं 20 गो पोल बा तो 20 गो में टंगा गई अब मानते नहीं उसमें से 12 गो फ्यूज हो गई 12 गो नहीं बरत तो नहीं बरत आना रे बा अच्छा ये बात बताई जी जौन बॉल ये लोग किनेला ये ठेकेदार के टेंडर करके किनेला लो कि उपभोक्ता समिति से किनवा होता लो अब सर अब गाँव पालिका अध्यक्ष जी बताई है प्रशासनिक अधिकारी जी बताई है वो हमारा था नहीं के तो हम कथी बतिया जी बढ़िया बात करनी चलिए हम गाँव पालिका अध्यक्ष जी से बात एक दिन जरूर पूछे सर रौरा हर साल कवना बिल में 15 लाख रुपया डाला था नहीं कि एक गो बॉल पर हर साल किना था एक गो बॉल पूछम एकदम जरूर राहत के बारे में सर चलिए राहत के बारे में तो मारा मारी पीटा पीटी तकले हो गई यहाँ के सर हेडमास्टर लोग खेले बा यहाँ के सब लोग खेले बा राहत मतलब का होला राहत के मतलब रउवा बुझते बानी गरीब के दियाला लेकिन गरीब के दियाला जे के राहत के मतलब रउवा बुझते बानी तो यहाँ राहत ना यहाँ राहत नहीं के बताई यहाँ वोट बनावे खतरा चाउर बटात रहे यानी कि अपन अपन जे पार्टी के बा ओकरा दिया जात रहे भले उ केतना धनी खो जमीन बा ओकरो ओकरो चाउर मिले आ गरीब लोग के नाम मिले कथी कहल जाए हमरा वार्ड में 1200 घर दूरी बा 1540 वितरण भइल 1500 तो और कहाँ भइल अब मूसा खइल की 1200 आदमी बा 1500 के हो जाए अब तो मतलब लइका लइका के बाटाइल होई तो कहीं अब घर दूरी तो छोड़ दी एगो घर में दू गो तीन गो कहीं देले होई लोग अब जेतर भइल लोग है यानी कि कहीं ना मनमानी बाटे गाँव पालिका में है कि ना बहुमत के केनौ कहीं ना कि कदर होला लेकिन बहुमत से लोग लेकिन सर बहुमत में का बा जे चुनाव जीतल जाला सब लोग अपना अपना पार्टी से इसी से हिसाब से जीतल है लेकिन ओमे किरिया कट खाई जाला इसी हमने के निर्वाचन लास्ट में जब हमने के प्रमाण पत्र देला न तो हमने के शपथ खियावेला केहू जन प्रतिनिधि खियावला किरिया खियावला जे आज से कोनो भेदभाव नहीं करे के कोनो पार्टी पे वो नहीं के जो तक सब जनता राउर हो लेकिन एक बात मानो वो किरिया लगबे ना करेला अगर लागित नु किरिया हाँ कि ना जैसे कि ओकरा विरुद्ध काम करिए अगर वो किरिया लागित नु तो शायद वो किरिया से भी लोग डेराइत लोग लेकिन कोई आदमी फालिस मार देला भाई सर काहे बात कहते नहीं फारलिस मार देल तो चली जे भ्रष्टाचार कइले ओकरा जरूर फारलिस मार देबी जे मंदिर के पैसा खइले बाबू खाई जे मस्जिद के पैसा खाई जनता के झुकिया के वोट ले ले होई जनता के विकास ना करी जनता इतने गोल कर फारलिस ना मारी तो कथि मारी सर जी औरी जोन बात बाटे औरी अपने के गुनासा बहुत कइनी अभी गांव पालिका एगो सरकार जब चुनाव करेला 74 साल में तो कहला कि सिंह दरबार घर घर में आयल सबसे बेसी वार्ड अध्यक्ष के अधिकार दिया आयल वार्ड के अधिकार दिया आयल तो सिंह दरबार घर में आयल कि ना आयल अपने के वार्ड में हमारा वार्ड में सर हमारा वार्ड में तो सर अभी ले स्वास्थ्य चौकी में जाए तो 7 गो दर बंदी बजन नहीं 7 गो दर बंदी में कहियो एगो डॉक्टर साहब रह कहियो 2 गो रह अभी ले महिलो नहीं के उमे जा तो महिला लोग के उपचार के करेला अब सर उपचार का बा डॉक्टर साहब आज गुनासो कर तो ले हमरा से कितना बेर गांव पलका में मांग कहनी कथी कहनी कथी कहनी 7 गो दरबंदी बा 2 गो अपने कहनी डॉक्टर साहब बालो अभी अभी 3 गो बालो ले कबो एको को बांचे ला लो यानी कि केहू के समस्या हो जाय केहू के विदा जाय के पर केहू बीमार पड़ गई तो चली ना उ 3 गो में से 2 गो राखी ना एवरेज में 2 गो एगो रहेला लोग एक जाने तो हरदम विदा में रहेला लोग सरकारी कर्मचारी लोग के तो आदत बाबू है कि ना सिंह दरबार के लक्षण है सर हाँ ई एगो लक्षण है चलिए एगो बॉल बरे के लक्षण बता देनी वो भी बढ़िया कहनी तो महिला लोग जाला लोग उपचार करावे
यहाँ तो गर्भवती महिला लोग कहीं चेक करावे चल गई तो उ लोग के केंगे इलाज होला उ लोग के के चेक करे अब इतने बुझी रहुआ जे उ डॉक्टर साहब आलो लो ना छुएला लो ना करला लो सरवा अब हमनी के केंद्रबा ओमे पेठा देला लो अब कथि करलो डॉक्टर साहब तो रिक्शा बोकिलो चले गांव पालिका कथि कर गांव पालिका कुछ कहला कि ना अब सीधे कहला ले जे दीदी चल जा लगी इसी उ सरवा डॉक्टर साहब को लगो ये लेडीज वाली डॉक्टर कथि कहल कितना दूर जाए के परेला अपने के गांव से टोला से लमसम हमरा यहां से 3 किलोमीटर जी चलिए शिक्षा स्वास्थ्य आ कृषि ये तीन गो चीज तो स्थानीय तह के दिया कि बड़ा विकास हुई आ जहाँ देखल जाला वहाँ शिक्षा में भ्रष्टाचार बा स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार बा एगो बोरिंग से मेयर साहब से पूछे सर बोला जाओ कृषि में पैसा छटाई रहे कृषि में छटले रहे हम सुननी सर तो कनिए सर बोर्ड के मीटिंग रहे कनिए सर हमरा के कृषि में अथी बोरिंग दी लगी जो हमरा वार्ड में हम हमर जौन भी भाग होके खरीदारी कहले बनी दी लगी जो हम किसान के बोरिंग के 52,000 कुछ रुपया बताओल खरीदारी पड़ल बा 60 फीट बामा 40 फीट बामा 20 फीट जाली 3 फीट साकिट 52,000 रुपया हम कहनी जे 52,000 में हम 4-5 गो कले वाला पाइप हलवाए 4-5 गो एगो ना 5 गो हलवाए अगर अपने उतना कम में हला दे तो फिर कमीशन कहाँ जाये ना तो कहनी तो ऐसे बोरिंग तो हमरा के छोड़ दलो सर तब से बोरिंग अपने तो कमीशन काट लेता नहीं तो बोरिंग के मिली अपने के ना नो हमरा कमीशन से वो लोग खरीदारी करो वो लोग कमीशन का हमरा के बोरिंग में तो कम से कम सर दे दो लो दे जी, लो तो जी, वो से हमरा मतलब नहीं है कमीशन खोलो ना खोलो वो 52,000 के बोरिंग में हमरा के ना दे लो सुले को पी जी अपने के गुनाह से हम सुन लेनी सन अब की बार फिर से कुछ दिन बाद अपने से हम बात करें हकि ना हम लेके समय कम बा एक बेर और ही अपने के अंतर्वार्ता में बोला वो दफे अपने के कई विकास के बारे में हमने चर्चा करे सन आज थोड़ा सा समय कम बाटे लेकिन कुछ दिन बाद फिर से अपने के हमने जोड़ेम सन अपने रेडी रहें और अपने कई विकास के बारे में कहें गाँव पालिका के जब अपने कहनी हम गाँव पालिका अध्यक्ष से कहो पूछेम सन आज के खातिर बड़ा अध्यक्ष जी अपने बहुत बढ़िया बात कहनी एक खातिर रेडियो सानवी के तरफ से हम राम मंडल के तरफ से धन्यवाद बा अभी खातिर विदा चाहता नहीं नमस्कार 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 धन्यवाद जी शेख नुमान आजम वड़ा नंबर 1 के वड़ा आधा जीरा भानी गाँव पालिका के वहाँ बहुत बढ़िया बात कहनी है वेपर लाइट से उजियालो अभियान बनावे के शुरू भइल वही तरह कही ना कि स्वास्थ्य जोन की स्थानीय तह में बात अब वहाँ स्वास्थ्य चौकी में दू जाने पुरुष डॉक्टर लोग बालक वहाँ महिला के इलाज कैसे हो रहा बा 5 वर्ष में ही हमने अंदाजा लगा सकता नहीं सर कि 5 वर्ष में सिंह दरबार घर में आइल बा कि घर में दरबार आइल बा के सिंह आइल बाटे जी हमने के दोसर अतिथि आनंद गुप्ता 12 परसौनी गाँव पालिका शहर के वड़ा अध्यक्ष बानी वहाँ भी हमने संपर्क में बानी आनंद सर अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा हेलो जी आनंद गुप्ता जी से हमने के बात हो रहा बाटे कहना वहाँ 12 के परसौनी गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 के वड़ा अध्यक्ष बानी हमने 2 गो वड़ा अध्यक्ष के आज कार्यक्रम में निम्ते लेनी सर हमने के दूसर का अतिथि 12 परसौनी गाँव पालिका 4 के वड़ा अध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता हमने के साथ में बानी आनंद सर कार्यक्रम में स्वागत बा अपने के धन्यवाद राम मंडल जी जी 4 वर्ष 5 वर्ष तो बिता लेनी लगन कथी कथी के विकास पर ध्यान देनी अपने 5 वर्ष में देखल जाम सर हम 5 वर्ष में सबसे बेसी भौतिक सुधार में विकास लेनी है जो 5 गो विकास होकेला शिक्षा खाने पानी स्वास्थ्य ओकरा बाद में गास बा सवास तो हम सबसे बेसी हम अपन परसौनी गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 कुटवा जोबी में भौतिक निर्माण में जोर देनी है काहे की भौतिक संरचना हमारा वार्ड में देखल जाम तो उतना न ठीक भइले चलते आवत जावत पानी के निकास में बहुत ही दुख रख तो सबसे ज्यादा अगर विकास के लिए बनी तो भौतिक निर्माण में हम काम के लिए बनी रोड नाला में कमीशन रोड नाला विशेष कमीशन बेसी आवेला उमे ओके चलते की कमीशन के तो बातें छोड़ी हम जितना बेसी काम भल बा सबसे पहले तो कमीशन लेस होकेला वार्ड नंबर 4 में कमीशन के खातिर काम ना होकेला कमीशन आवेला अपने के सामाजिक कार्यक्रम में अपने के कार्यक्रम में आवेला हमनी के भौतिक में सर उतना कमीशन के बात कहें तो भौतिक में ना आवेला जितना अपने सामाजिक कार्यक्रम में रखे भौतिक में ना रखे सामाजिक में रख ले सामाजिक में बजट कम रहेला भौतिक में सबसे बेसी बजट रहेला करोड़ों बजट तो भौतिक में जाला सामाजिक के बजट कथी है सर उ तो अपन सामाजिक के अनुसार से बजट रख के जैसे अनेक क्षेत्र में काम कर देला तालीम रहेला हां तालीम रहेला पर
तालीम रहेला कॉलेज और रौरा लोग तो ऊपर ध्यान देवे के चाहे कि ओमे ज्यादा भ्रष्टाचार होला। 1 लाख के तालीम रहेला ओमे 30,000 के खर्चे रहेला, एनजीओ 70,000 लेके जाला, तो रौरा लोग देवे नहीं लोन काहे, एनजीओ के काहे मोटवावे नहीं लोन उतना। हम सर अभी तक वार्ड नंबर 4 में उसन कार्यक्रम तो रख लई नहीं ये सो बाकी ना अभी बाकी बाकी ना 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 सर नहीं की कार्यक्रम हमारे पूरा टोटल का टोटल हमारे भौतिक सर गए बाटे। एगो हमारे अपने सामाजिक विकास अंतर्गत कार्यक्रम सर नहीं के हमारे वार्ड नंबर 4 के सेलिंग में, यानी कि वार्ड नंबर 4 में आवल तो गुड़ में पाकी लागी कि ना लागी। हमरा वार्ड नंबर 4 में आवल तो सर गुड़ में पाकी ना लागी। हाँ अपने के 100% में हम 80% संपूर्ण बाटो ढला दे बनी, 20% गली गली के जौन बाटो बाटे मात्र उही बला मतलब बने के क्रम में बाटे बनल नहीं के। अब देखल जाम आए वाला दिन में का होता। 3 महीना अभी भी बाकी बा, 3 महीना बाकी बा, बजट कितना मिले साल में अपने के? 3 महीना में सर तो कथी करल जाए, तो बजट तो हमने का सारे में एसी कर देवल जा जी। तो ये जी जी अब माने कि अपने के लास्ट बजट है कितना मिलल? अब की बजट अपने के गांव पालिका से वार्ड में 60 लाख 60 लाख 60 लाख मिलल है ना जी। 60 लाख में कितना खर्च हो गई योजना सब में? 60 लाख में हमने के लगभग हमने 50% खर्च हो गए। 65-75 75 यानी कि 25% अभी भी कहीं ना कि 20-15-20 लाख रुपया अभी भी हो जी जी खर्च करे। अब वो भी 3 महीना में खर्च कर देम है ना? 3 महीना में प्लानिंग बाबू खर्च कर देवे की अगर समय पर रहेंगे परी काहे की बैसाख 30 गते तो फिर करेक्शन बानू। वार्ड नंबर 4 में अभी तक एगो बजट फ्रीज नहीं के गल ब्रिज के अपनी जितना हमनी के बजट मिलेला पूरा एकदम अपन दायित्व समझ के पूरा अपन निगरानी क के मेहनत क के बजट के हमनी सदुपयोग क के बजट के काम करल जाला की जौन बजट आवेला फ्रीज फ्रीज ना जाओ जनता के सदुपयोग में काम हो जाओ। यानी कि बजट जौन बा खास करके रौरा लोग जनता के खातिर खर्च कर लगन बहुत बढ़िया बात बाटे। अपने कहने की भौतिक विकास में ज्यादा ध्यान दिले बनी नाला आ रोड में तो कमती में अब देखला पर सबसे बेसी जनता लोग चाहेला भी पूछल जाला कथी चाहे विकास में तो सट से बर कई लोग रोड बना दी चाहे नाला बना दी है कि ना? तो शिक्षा स्वास्थ्य के छोड़िए देवे नी अपने साफा शिक्षा स्वास्थ्य के छोड़ना देवे नी सर हमारे कहे के मतलब सबसे ज्यादा में जोर देवे नी ओ वाला भी हमने के शिक्षा में अपने के देखे तो हमने के वा अपने के जोन अपने भौतिक संरचना स्कूल के बाद जोन अच्छा भी बाटे ओकरा बाद में स्वास्थ्य भी कायम तो लगभग हम जोन हमने के स्वास्थ्य की खराब रहल ओकरा मरम्मत करा के ओकरा संचालन कई नी ओकरा बाद में कायम तो खाने पानी भी हम बहुत सन जगह पर कल ना रहल बहुत सन सार्वजनिक जगह पर कल ना रहल उस ठाव में कल भी हरवैले बानी कल की जनता के सुविधा के खाए के पानी देले बानी चौतरफी विकास भयल बा सबसे बेसी हम विकास कैले बानी तो भौतिक क्षेत्र में कैले बानी हमर कहे के मतलब ई बात सर। यानी कि कहीं ना भौतिक क्षेत्र में खुटु अपने के टोला में कौन कौन वार्ड में कौन कौन टोल बाटे खुटुआ हमर से परसौनी गांव पालिका मतलब 4 गो गावी सब मिलके बनल हमर सिंगो गावी सब खुटुआ जदी वार्ड नंबर 4 परसौनी बाजार ओई में पड़ेला परसौनी बाजार ना पड़ेला परसौनी पर से जौन पुल पड़ला पुल पर से हमर पूरा मतलब एगो पूरा एगो वार्डे बा जौन पूरा एगो हमनी के गावी से रहे सिंगल गावी से हम गइल बानी हम बहुत बेर गइल बानी रास्ता में एगो सिंगल गावी से के एगो वार्ड सर बहुत मतलब हमर मतलब यहाँ जनसंख्या के भी प्राप्त उतने बा ओकरा बाद क्षेत्रफल भी उतने बा एगो सिंगल गावी से सिंगल वार्ड बा ओकरा के चलावल सर इतना मुश्किल बात नहीं के जितना अच्छा से अभी अपना देखे से अच्छा चलावत नी पर दूसरे के चलावत उ तो जनता अपने के देखेबे करी बैसाख 30 गते फिर से सुनाव रहल जी। अब तो समय परिस्थिति अनुसार देखल जी सर क्या करे पड़े स्थानीय सरकार पर बहुत सर एथिकल सरकार प्रदेश के मतलब मेरुदंड सरकार है बहुत तनावग्रस्त सरकार है सर डायरेक्ट जनता के टच के सरकार है उनको कुछ होता है तो अपने स्वयं के बाद एमे प्रशासन लोग के उनको उनका विशेष रूप से हमके निगरानी नहीं के दिनो रात सवेरे उठ सांझ के उठ सवेरे उठ सब सब तरह जनता के प्रेशर बा यानी कि काम करे के पूरा एकदम यहाँ इन्वायरमेंट बा कबो रिलीफ करे के मौका नहीं के हम के आयल भी बानी तो समय परिस्थिति जगह बनी जगह काम करे सिंह दरबार जी सिंह दरबार घर घर में आयल कह के नारा ये वड़ा अध्यक्ष लोग के सबसे ज्यादा अधिकार दियाल बा तलब भी लोग अधिकार तो सर दियाल बा पर अधिकार के सदुपयोग नहीं के अधिकार तो दियाल बा वड़ा अध्यक्ष सब के काम करे के पर कथी बा कि सिंह रगल अपने के गांव पालिका में दरबार रगल अपना सिंह रगल अपने के गांव में दरबार रगल गांव पालिका में यानी कि कही ना कि घर घर में भी सिंह दरबार जोन बा गांव गांव में घर घर में ना ना उल्टा सब इन पुगल नहीं कि अभी तनका ओ में तनका अगर पूर्ण रूप से संरचना ही आ जाता है स्थापना होता तब हां सब घर घर में सिंह दरबार पुग जाई अभी गांव पालिका तक पुगल बा सर जी चलिए बढ़िया बाटे। और 4 साल में कही ना भौतिक संरचना के विकास कही नहीं
आम जनता लोग के जैसे एगो बा गाँव पालिका या स्थानीय तह तो में आयल शिक्षा स्वास्थ्य कृषि कृषि में सर कृषि में कहम तो सबसे पहले कृषि तो प्रधान देश हो कृषि में तो हमनी के यहाँ सबसे पहले जो किसी के मतलब सोच प्लानिंग करके काम करे चाहिए शुरू से हमनी के गाँव पालिका में कर्मचारी ना भैया सबसे उतना उल्लेखनीय काम तो ना भल जब पर कृषि के मतलब उत्थान के खातिर कृषि के जानकारी के खातिर विभिन्न किसी में कार्यक्रम मार्फत जन चेतना करावल गए अभी तो सबसे देखे तो सबसे हमने विरपना कथी कहम खाद के बाद जबकि गाँव बोए के समय आवे तो खाद ना मिलेला जब बिया मतलब बिया ना मिलेला हमने के स्थानीय सरकार हमने पर भी कर सकता नहीं सन पल कर सकता नहीं पर समुचित व्यवस्था उचित व्यवस्था ना भैया चलते अभी नेपाल में कहम तो कृषि जन प्रधान देश कहल जला बहुत दिक्कत में बा जब समस्या आवेला जब समस्या समाधान करला तुरंत ओकर निकाय पहल ना करला चलते उतना ज्यादा हमनी के कृषि में हमनी के कम तो विकास करने की सब सकल पर हाँ अब हमनी के नया रहनी संरचना नया रहे नया अपने के स्थानीय सरकार रहे अब पर से हुई प्लानिंग के साथ हुई अब सर यानी कि कोई ना कि सीख ले बानी सीखत रहनी कुछ गुण हो गल बा कुछ जानकार हो गल बा जी काम करे के सीखने लगन की भ्रष्टाचार करे के सीखने लगन बहुत लोग भ्रष्टाचार करे के सर रही थे क्षेत्र में आदमी ना जाई क्या भ्रष्टाचार के अपने के तो बहुत कुछ रल हम एकदम पैसा पड़ लड़का हम 60,000 के महीना कमाए वाला आदमी कम में झर गई अपने अब 60,000 का तलब नहीं मिलते नहीं मिलता ओकरा बाद में हमनी के जौन एगो जौन हमनी के एगो सोच रहे कि चलो भाई अपना गांव के विकास अपना हाथ से होको अपना टूल के विकास अपना हाथ से होको कम से कम जौन हमनी के वो नेचर एगो सी नेचर बानू देखे वाला पॉलिटिक्स के पहिला पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम क्यों लो ना चला अपना अपना बेटा के चाहे अपना बेटी के लीडर बनाने के काहे कि वो ना निमन लागेला आज के दिन में आज नेता चाहिए सब कुछ कर सकल था आज देखल जाए हमको उदाहरण देखल जाए जौन देश के पॉलिटिक्स निमन बा जौन देश के नेता निमन बा वहाँ के समृद्धि बा उ देश में शांति सुशांति बा वहाँ के जनता आरामदायक बा जहाँ के पॉलिटिक्स खराब बा वहाँ के जनता और वहाँ के होल कम तो वहाँ के मतलब देश में ही प्रॉब्लम बा तो वही से नेता खराब ना हो और नेता का चरित्र और काम करके स्टाइल ठीक हो जाए तो पूरा सिंगो देश की इलाज करेला डांगदार एगो व्यक्ति की इलाज करेला पर पॉलिटिक्स का पूरा देश की इलाज करेला तो पॉलिटिक्स होकल जरूरी बा पर हमने के अभी सिचुएशन में देखें तो पॉलिटिक्स के परिभाषा बदल दिया बा वही से लोग कहला कि ए नेता कहे के चोर है नेता कहे के बदमाश है नेता कहे के खराब है हाँ तो वही से हम कहें कि हम सोच में लागल कि काहे ना यो क्षेत्र के अच्छा बनावल जाम हमरा के अच्छा बनने से ना हो कि हम प्रयास करता नहीं शुरू से प्रयास करता नहीं हो सकता हमारा अगर सक्सेस हो के हम तो अच्छा बना सके हम कि कल के दिन में लोग भी कहे कि अपना बाल बच्चा के नेता बनावे के बाद कह के सोचो को एगो आइडल बने के चाहता नहीं हां उ तरह से हम राजनीति में आयल बानी राजनीति में पैसा कमाए चाहे नाम कमाए नहीं की आयल हम भी चाहती आज देवी भर के अमेरिका चलती पर के आज जाके कोई नौकरी करती आराम से ऐसे आराम करती कमाईती पर दिनों रात जनता के भीतर रह के आज समस्या भोगतानी कमी नहीं करती बा हमने के सुविधा भी बा हमने के सुविधा मिलेला हमने कोनो शादी ना मिलेला उ सुविधा हमने के दिनचर्या में केकरो मियाद खराब हो गल केकरो बुखार हो गल हेने पूजा बाटे हेने बीमारी बाटे हेने बा अगर अगर घर से निमन आदमी ना रही तो स्थानीय सरकार में टिकी ना जे भ्रष्टाचार करी ओकरा लिए ठीक बा जे भ्रष्टाचार करी ओकरा लिए ठीक बा पर ईमानदारिता से कहम तो मुखियाई जे घर से ठीक आदमी ओकरे लिए बा हमरा हमरा देखे में सर जी बहुत बहुत धन्यवाद छोट बात कहनी सन हमनी फिर से विस्तृत रूप में अपने से एक बेर और बात करम सन अपने चिंता मत ली आज के खातिर समय कम बा ओके चलते रेडियो सानवी के तरफ से हम राम मंडल के तरफ से समय देनी छोट समय ही देनी एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बात पूरा जनता के सुनाई नहीं और स्पेशल कह के राम मंडल जी के कि हमारे कार्यक्रम में जोर के दो शब्द बोले के मौका देनी पूर्ण संपूर्ण यूनिट के धन्यवाद देते हुए हम वाणी के विश्राम धन्यवाद नमस्कार जी वहाँ रहनी आनंद गुप्ता 12 परसौनी गाँव पालिका शहर के वडा अध्यक्ष आज हमने दू गो वडा अध्यक्ष से बात करनी सन 12 के एक जने वडा अध्यक्ष रहनी एक जने परसा के जीरा भवानी गाँव पालिका एक के वडा अध्यक्ष दोनों जने से बात करनी सन हमने बिहान फिर से आयम सन स्थानीय चुनाव लगे आ रहा बा ओकरे विषय में हमने सेरेफर में बात करता सन जनप्रतिनिधि से खास करके 5 वर्ष में का कैलक लोग आज बात करनी सन दू जने से बिहान फिर से बात करें सन आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा वैसे विदा मांग पड़ी अपने कार्यक्रम सुन के साथ देने अपने के धन्यवाद टेक्निकली सपोर्ट के खातिर अनरजीत के धन्यवाद देत राम मंडल के विदाई नमस्कार गांव शहर सारा गुंजा